हेलो दोस्तों, मैटलैब के इस लेक्चर के अंदर आज हम इमेज प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने जो है इमेज को कैसे रीड कर सकते हैं ये देखा था। आज हम जो है इमेज को फिर से रीड करके देखेंगे और साथ में ही कुछ और फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैटलैब जो है वैसे ओपन कर रखा है, तो मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ और फिर इसको रिस्टार्ट करके जो है हम फिर से चालू करेंगे, ताकि जो है हमें एक बार जो है पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे हमको फाइल को सेट करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से मैटलैब क्लोज कर दिया है। ठीक है, टेकिंग टाइम, ओके फाइन। और हम ये यहाँ से मैटलैब को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी फोल्डर के अंदर कोड को सेव करेंगे तो वो हम कहाँ सेव कर सकते हैं, और अगर वो सेव होगा तो कैसे चलेगा। जैसे इस वाले कोड के अंदर हम देखेंगे कि पहले इमेज को कैसे रीड कर सकते हैं। तो इमेज जो है हमने किसी फोल्डर में रख रखी है, तो वहाँ से हम कैसे सेट करेंगे और ये सभी चीज़ें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो है ये जो फोल्डर है यहाँ पर, मैं इसको अभी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे इमेज अंडरस्कोर रीड नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया है, वहां पर इमेज जो मैंने रख रखी है। और आप यहाँ पे मैं इसको ओपन करके बताता हूँ कि इमेज का जो नाम है वो है fly.jpg। ठीक है, यही एग्जांपल हमने लास्ट वाले जो है वीडियो में लिया था और वहां पर भी हमने देखा था। तो आज हम फिर से थोड़ा सा देखते हैं कोड को भी कहाँ सेट करेंगे ये सभी चीजें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारी ये इमेज है और ये हमारा जो है फोल्डर है। ठीक है, मैं अभी इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये मैटलैब जो है वो अभी ऑन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैटलैब ऑन होता है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो, अगर ये एडिटर विंडो ओपन होती है तो ये भी ओपन होगी, अगर ये नहीं होती है तो नहीं होगी। डिफॉल्ट तो वैसे मैटलैब ही ओपन होता है, पर अगर आपने जैसे अगर एडिटर विंडो क्लोज नहीं की है तो ये जरूर ओपन होगी। और इसका फायदा रहता है, ऐसा बहुत बार हमारे जो कोड रहते हैं वो हम उनको यहीं से डायरेक्ट चला सकते हैं अगर हम क्लोज ना करें तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये विंडो क्लोज हो जाती है तो बहुत बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कोड को कैसे रन करना है, हमारा कोड कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स वाई जेड, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये तो अभी ओपन हो चुकी है, फाइन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफॉल्ट लोकेशन है मैटलैब की वो ये बिन फोल्डर में है। ठीक है, जहाँ पर मैटलैब इंस्टॉल है, और बिन फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पर करंट फोल्डर के अंदर आपको दिखाता है। इस वाले विंडो को हम करंट फोल्डर बोलते हैं, मतलब जिस फोल्डर में अभी मैटलैब है और वहाँ की फाइल को दिखाएगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये मैटलैब की .exe भी और बाकी सारी फाइल्स भी यहाँ पर है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि यहाँ पर जो है हमको वो पाथ सेट करना है, यहाँ पर वो पाथ सेट करना है जो कि जहाँ पर हम कोड को सेव करेंगे और जहाँ पर हमारी इमेज है। हम अभी सबसे पहले इस तरीके को देखते हैं, बाद में हम और भी तरीके को देखेंगे। ठीक है, तो जो जनरल तरीका है वो ये है कि हमारा कोड वहीं सेव होना चाहिए जहाँ पर हमारी इमेज है। ठीक है, तो हमने ये देखा ही था कि हमारी इमेज जो है वो इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर है, इमेज अंडरस्कोर रीड के अंदर है। तो हमने इस बात को कॉपी भी कर लिया था, एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली कमांड विंडो पर आकर यहाँ लिखते हैं चेंज डायरेक्टरी और सिंगल कोड के अंदर ये जो पाथ हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो पाथ जो है वो यहाँ सेट हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसे पेस्ट किया था, इंटर पेस्ट नहीं किया है, हमने इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, तो अब ये आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है या डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ है वो सेट हो चुका है। ठीक है, और हम ये करेंगे अभी कि हमारा कोड भी हम यहीं पर सेव करेंगे। तो हम कोड भी कैसे सेव कर सकते हैं वो देखेंगे। लास्ट टाइम पे तो हमने क्या किया था कि कमांड विंडो पर ही हमने जो है कोड लिख दिया था और रन किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि
इसी फोल्डर के अंदर हमारा कोड भी सेव करेंगे, और वो हम कैसे कर सकते हैं, आप लिखिए यहाँ पर एडिट और आपके कोड का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने मेरे कोड का नाम लिखा है इमेज अंडरस्कोर रीड, ठीक है, जो फोल्डर का नाम है जनरली मैं वही नाम ज्यादातर रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो और हमको याद भी रहे कि हाँ इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है ये कोड का नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कोड का नाम क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिखा है इमेज अंडरस्कोर रीड, वो जो है फाइल का नाम है, मतलब जिस फाइल से हम कोड को सेव करेंगे, ना कि इस फोल्डर का, बट बाकी मैंने दोनों का नाम सेव रखा है। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फाइल जो है वो आ जाएगी, उसका नाम रहेगा इमेज अंडरस्कोर रीड डॉट एम, इसका एम डॉट एम इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और एडिट मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है कि ये एडिटर के अंदर चली जाएगी ये फाइल, ठीक है, मतलब जहाँ पर कोड लिखते हैं उसको एडिटर विंडो कहते हैं, ठीक है। तो एडिटर वाली फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ एंटर किया। अब ये क्या बोलता है आपको कि इसमें कुछ ऐसी फाइल नहीं है कि हम क्रिएट कर दें, तो हम बोलेंगे हाँ यस ओके, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली उसने सबसे पहले तो आपको जो है वो एडिटर वाली विंडो पे पहुंचा दिया है, और वहां पर आप इस फाइल का नाम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इमेज अंडरस्कोर रीड डॉट एम, ये डॉट एम इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और इस पूरी विंडो को हम एडिटर विंडो या एडिटर पैनल कहते हैं, जहाँ पर हमारी ये एडिट विंडो होती है जहाँ हम कोड लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आ चुकी है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी वजह से आपसे क्लोज हो जाती है, मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं या एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो ये फिर से यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक। अब जैसे ही हम कोई भी लाइन लिखते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे लिखूँ ए, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेव का बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, और मैंने इसको अगर सेव पे क्लिक कर दिया तो ये कोड आपका सेव हो जाएगा, जनरली जैसा वर्ड प्रेस में या वर्ड की फाइल एम एस वर्ड में होता है, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ पर कि इस इमेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड जो है हम डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे, हम चाहते तो यहाँ कमांड विंडो पर भी लिख सकते थे, तो मैं एक बार आपको कमांड विंडो में लिख कर बताता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू, और कमांड का नाम लिखा आई एम रीड, और यहाँ पर मैंने लिखा सेमी कॉलन, और सिंगल कोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये जो आपकी इमेज है इसका नाम और इसका एक्सटेंशन विद डॉट, ठीक है। अगर एक्सटेंशन चेंज है तो वैसे एक्सटेंशन डालना है, और नाम चेंज है तो नाम भी वैसा ही डालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लाई डॉट जे पी जी, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी ये जो आपकी वर्क स्पेस, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। जनरली वर्क स्पेस में क्या रहता है, जितने भी वेरिएबल आपके कोड में होते हैं या कमांड विंडो पर आप लिखते हैं वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये नई फाइल बनाई है, तो यहाँ पर कोई भी जो है वेरिएबल नहीं है। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और उसका मतलब ये भी है कि हमने ये जो स्ट्रिंग है इसके थ्रू ए वेरिएबल के अंदर इमेज को रीड कर लिया है, जो कि आउटसाइड कहीं थी, मतलब अभी ये फाइल यहाँ पे थी इमेज, जो इसको हम फाइल बोल सकते हैं, तो इसको हमने इस कोड के अंदर रीड कर लिया है यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब हम जो है क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इसको एक बार शो कराते हैं, आई एम शो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आई एम शो लिखा और ए लिखा, आई एम शो इज कमांड फॉर showing any image, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज वहां थी अब वो MATLAB की विंडो में आ चुकी है। इतना हमने पहले वाले कोड के अंदर देखा था, आज हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब एक और कमांड लिखता हूँ whose, ठीक है। अब आप देखेंगे कि whose कमांड का यूज क्या है। जनरली whose क्या करता है,
वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं उसकी डिटेल आपको देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो वो अभी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो उसकी डिटेल देगा, ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा की भी देगा, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर हूज जो आपका आपकी कमांड है उसने कुछ डिटेल आपको दी है, और क्या क्या डिटेल दी है, उसने ये कहा है कि आपके वेरिएबल का जो नाम है वो है ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल का नाम ए है, करेक्ट। इसकी जो साइज है वो है यहाँ पर ये है 183x276x3, ठीक है, जिसका मतलब है कि इस इमेज के अंदर 183 जो है वो रोज है, 276 जो है वो कॉलम्स हैं, और इस इमेज के अंदर 3 जो है वो प्लेन है, ठीक। उसके बाद में जो उसने डिटेल दी है वो दी है बाइट्स की, कि ये जो इमेज है वो कितनी साइज ले रही है, ठीक है। तो जनरली अगर हम मान लीजिए कि कभी इंटीजर का यूज करते हैं, ठीक है, और इंटीजर के अंदर हमने मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं int a इक्वल टू 2, लेट सपोज, मैटलैब में जनरली ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम जो है नॉर्मल 32 बिट का यूज कर रहे हैं या टर्बो में यूज कर रहे हैं, तब वो 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। मतलब एक जो आपका वेरिएबल है अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो 2 वेरिएबल लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक इमेज ने जो है वो कितनी बाइट्स ली है, कुछ 15,000 तो नहीं, ज्यादा हो जाएगी शायद, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 151,524, ठीक है। तो समथिंग इतनी बाइट्स यहाँ पर ली है। अब मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएबल और लेकर बताता हूँ। तो मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ बी इक्वल टू, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और अब मैं हूज चलाता हूँ, ठीक है। और हूज के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे सब वेरिएबल के डिटेल नहीं देखनी है, सिर्फ हमको एक ही वेरिएबल की डिटेल देखनी है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम आप लिख दीजिए। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वेरिएबल का नाम बी है, उसकी साइज जो है वो 1x1 की है। इस वेरिएबल ने जो बाइट ली है वो कितनी बाइट्स ली है, यहाँ पर 8 बाइट्स ली है, ठीक है। अगर हम जब C++ की कोडिंग देखते हैं तो जनरली जब हम इंटीजर लेते हैं तो वो जनरली क्या करता है, अगर मान लीजिए हमने 10, 12 वो व्हाटएवर इंटीजर जब सेव किया है तो वो जनरली 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि सिर्फ एक डिजिट ने ही, जब इस एक डिजिट को हमने इस वेरिएबल में सेव किया है तो उसने यहाँ पर कितनी बाइट्स ली है, वो 8 ली है। 8 लेने का कारण क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैटलैब जिस भी कैरेक्टर को सेव करता है या इंटीजर को सेव करता है, तो कैरेक्टर को नहीं, अगर इंटीजर को सेव करता है तो वो उसको डबल क्लास में लेता है, तो डबल की वजह से वो उसने 8 बाइट यहाँ पर ली है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप का जो है वो क्लास है। एट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पर एट्रीब्यूट तब यूज किया जाता है जब वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसको वो यहाँ पे शो कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ शो की जाती है, वो हम कभी और देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। और अगर मान लीजिए अगर आपके वेरिएबल के अंदर, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सी, और दो जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 और 3, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 2 और 3 सी में है। अब हम क्या करते हैं, इस जो है सी को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि दो वेरिएबल की वजह से क्या हो जाएगा, 8 × 16, तो 16 बाइट्स ये लेगा, और इसका जो है वो डेटा टाइप सेम है, डबल टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। और तो ये तो आपने हूज का यूज देखा। अब आप यहाँ पे आपको देखना रहेगा कि जैसे मैंने ये बोला था यहाँ पर कि इतनी जो है नंबर ऑफ क्या है, रोज है, और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, एक रो है एक कॉलम है, इसलिए यहाँ पर क्या 1x1 का आया, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2, तो ये एक रो हो गई, ठीक है, और कॉलम ये एक कॉलम नंबर 2, ठीक है। अगर दो रो का देखना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे डी वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे अगेन जो है मैं लिखता हूँ 3, 4,
सेमीकॉलन एंड 5 एंड 6, ठीक है। और अब हम वापस से हुज को चलाते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ मैं डी प्रेस करता हूँ और अब यहाँ देखते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पर दो रो हो गई और दो जो है यहाँ पर कॉलम हो गए। तो ये दो तो आपकी क्या हो गई, रो, एक रो नंबर 1 और रो नंबर 2, ठीक है। अब हम जो है इमेज के ऊपर वापस से आते हैं, ठीक। तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। अब आप जो है यहाँ पर हम ये जो है डेटा कर्सर इसका यूज देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो साइन है कुछ प्लस का बना हुआ है और एक यहाँ पे स्क्वायर है और वहां पे लिखा हुआ है डेटा कर्सर, ठीक है। तो डेटा कर्सर लेकर मैं क्या करता हूँ, एक बार मुझे डेटा कर्सर पे क्लिक करना है और इमेज पर आकर जब ऐसा प्लस का साइन आता है तो कहीं पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ एक दो सेकंड बाद में कुछ डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ डिटेल क्या है। तो डिटेल में सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि अभी जहाँ पर ये पॉइंटर है, ये पॉइंट है, वहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू है 158, 2 और 27, ठीक है। और इस पिक्सल का जो इमेज है, सॉरी, इस इमेज के जो पिक्सल की वैल्यू है वो है 232 और 169, और ये है RGB वैल्यू, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि एक इमेज जो है वो 3 कलर से फॉर्म होती है और इमेजेस कई टाइप की होती है। तो यहाँ पर ये हमारी कलर इमेज है, तो कलर इमेज के अंदर हम क्या देखेंगे कि इमेज हमारे 3 कलर से फॉर्म हो रही है, तो उन तीनों की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 193, 232, 169, ठीक है। अगर मैं इसको मान लीजिए मूव करता हूँ, मैंने इसको कहीं और कर दिया, तो आप देखेंगे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है और यहाँ पर RGB की जो वैल्यू है वो 212, 236 और 186 हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर, अभी हम इसकी और डिटेल को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको वाइट पे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाइट पर जो है वो RGB की जो वो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 247, 246, 244, ठीक है। तो ये यहाँ पर वाइट में ऐसा आ रहा है। और अगर आप ब्लैक में जाएंगे तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर, जैसे यहाँ तो ये जो है वो ब्लैक नहीं है लेकिन फिर भी ग्रे, मतलब मोस्ट नियर टू ब्लैक है, तो आप फिर भी देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो नियर टू जीरो है, ठीक है। और अगर मैं इसको और कहीं पर ट्राई करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो पंख है वहाँ लेके रहते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे इसको यहाँ जो कुछ ब्लैक पॉइंट है वहाँ लेके जा सकते हैं, यहाँ ये देखिए आप, तो ये और जीरो के पास में आ चुका है, ठीक। अब जो है इसको और भी हम मूव करते हैं। अब आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करें कि देखिए यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 1, 1, ठीक है। और ये अगर हम यू देखेंगे, यू सभी चीजों को, जिस तरह से मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो इनको हम बोलेंगे रोज, और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो इनको हम बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आप इस कॉर्नर में लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो वैल्यू मिलेगी जो आप यहाँ देख रहे थे, 183, ठीक है। तो 183 इज योर रोज, मतलब इतनी 183 आपकी रोज है, ठीक है। और 276 मतलब और इसके अंदर इसके इतने कॉलम्स है। तो आप इस इमेज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी रोज है वो इतनी है, ठीक है। और क्योंकि कॉलम्स ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो उसकी वो लेंथ है वो जो है ज़्यादा है, मतलब उसकी ब्रेथ जो है वो कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, क्योंकि कॉलम्स ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो है अनसाइन इंट के बारे में भी हम देखेंगे, और उसके पहले हम ये जो 3 हम बोल रहे हैं इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जनरली इसको बोला जाता है कि इमेज के अंदर कितने प्लेन हैं, नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं। तो क्योंकि कलर इमेज 3 कलर से मिलकर बनी होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसलिए उन प्लेन को हम बोलते हैं जो है कि ये इमेज हमारी 3 प्लेन से मिलकर बनी हुई है। कैसे, इसके लिए हम एक बार जो है ये एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ आके हम चेक करते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए कि आपकी इमेज जो है उसके अंदर कुछ इस तरह के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे ये 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, और ये सब चीजें, ठीक। और उसके बाद में जो हमने प्लेन की बात करी है, वो प्लेन आपके कैसे रहेंगे, वो प्लेन आपके रहेंगे कुछ इस प्रकार से, प्लेन नंबर 1, ठीक है, प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 3, ठीक है। अभी हम इनको जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि एक आपको जनरल आइडिया मिले यहाँ पर, ठीक है। और जो इनकी कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मान लीजिए एक्स कोमा वाई पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर जो आरजीबी वैल्यू है वो कैसे आती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हालांकि अभी इन्होंने यहाँ 1.1 लिखा है, तो आप इसको नोटिस मत कीजिए, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स कॉमा वाई जो है वो आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई जो है आपका 1.1 है, मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट पर, मतलब x कॉमा y वाले कोऑर्डिनेट पर, 1.1 वाले कोऑर्डिनेट पर जो RGB की वैल्यू है वो कैसे आएगी, तो वो देखिए कैसे आएगी। फर्स्ट वाले प्लेन पर जो वैल्यू होगी वो R की वैल्यू होगी, सेकेंड वाले प्लेन पर जो वैल्यू होगी वो G की वैल्यू होगी, और थर्ड वाले प्लेन पर जो होगी वो ब्लू कलर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम वापस एक बार इमेज पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, और देखिए अब मैं इस कर्सर को यहाँ से उठाकर जो है वो यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21, G की वैल्यू कितनी है 54, और B की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। वो कौन से कोऑर्डिनेट पे बता रहा है, एक्स कॉमा वाई पर, ठीक है, मतलब ये जो 21 है वो फर्स्ट प्लेन में है, और ये जो 54 है वो सेकेंड प्लेन पर है, और ये जो 0 है वो थर्ड प्लेन पर है, लेकिन सबका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर एक बार फिर से आएंगे और हम ये चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कैसे आए हैं, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अभी जो है यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सपोज ABCD तक हमने ले लिया था, मान लीजिए मैं F वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और F वेरिएबल के अंदर मैं जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखता हूँ, तो मैंने लिखा 1, 2, 3 सेमीकॉलन, 4, 5, 6 सेमीकॉलन, 7, 8, 9, ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ बिना सेमीकॉलन लगाए, ठीक है, ताकि हम आउटपुट को देख सकें। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आपने यहाँ पर 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर f को यहाँ पर अभी रन करता हूँ, f वेरिएबल को मैं चेक करता हूँ कि f में क्या है, तो वैसे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि f के अंदर हमारी ये 3x3 की मैट्रिक्स है, लेकिन एक बार हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिला कि आपको जो है 3x3 की जो आपने एलिमेंट्स दिए थे वो मैट्रिक्स यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं 2-dimensional मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही डायमेंशन है, मतलब एक डायमेंशन के अंदर रोज है, दूसरे डायमेंशन के अंदर कॉलम्स है, लेकिन कोई भी और प्लेन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशन नहीं बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेजेस होती हैं, कलर इमेज जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर होती है, और उसको हम समझेंगे आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा डायमेंशन है, ठीक है, फिर हम इमेज के फंडा को और मैट्रिक्स के फंडा को जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक दूसरे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा एफ और मैंने यहाँ पे लिखा कॉलन कॉमा, मैं पहले लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस पूरी कमांड का क्या मीनिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि आउटपुट हमको क्या मिलता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, ठीक है। अब मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो एफ मैट्रिक्स थी उसकी फर्स्ट प्लेन में ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स में तो एक ही प्लेन था तो उसके अंदर तो यही मिलेगा। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉलन का मतलब यहाँ पे है ऑल रो
ऑल कॉलम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और पहले हम कुछ करते हैं, फिर देन और डिटेल इसकी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा एफ और यहाँ लिखा मैंने कॉलन कॉमा टू, ठीक है। और मैं अब इसको रन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रन करूंगा तो वो बोलेगा कि यहाँ पर कोई भी क्या जो है इमेज या मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 2 1, हम कोई भी यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 6 5 4 सेमी कॉलन 9 8 7, ठीक है। और इसको हम इंटरप्रेस करते हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको रन किया तो उसने जनरली जो है इस कमांड को तो रन किया, लेकिन उसने अल्टीमेटली एफ के अंदर जो है उस चीज को दिया। उसने बोला कि एफ के फर्स्ट प्लेन में जो है वो ये मैट्रिक्स है, सेकेंड प्लेन में जो है वो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एक और मैट्रिक्स को यहाँ पर रन कर लेते हैं। मैं एरो की से जो पुरानी कमांड है उसको वापस से लेकर आता हूँ और यहाँ प्लेन को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया प्लेन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है मैं कुछ डेटा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं चेंज कर लेता हूँ 2, एक काम करता हूँ पहले मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, 2 3 1 सेमी कॉलन 5 6 4 सेमी कॉलन 8 9 7, फाइन। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब इस कमांड को रन किया तो उसने ये आउटपुट दिया, और हमने थर्ड प्लेन के अंदर यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ पर एंटर की थी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 1, दिस इज 2 3 1। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार एफ को फिर से रन करता हूँ, ठीक है। और आप अब पहले जब हमने एफ को रन किया था तो क्या हुआ था, एक मैट्रिक्स ही उसने शो की थी क्योंकि एफ के अंदर एक ही मैट्रिक्स थी, लेकिन अब हमने उसके अंदर क्या है 3 मैट्रिक्स और ऐड कर दी है, मतलब 3 प्लेन और ऐड कर दिए जैसे इमेज के अंदर। तो मैं पहले इसको रन करता हूँ, तो रन करा तो आप देखिए यहाँ पर ये रन हुआ ऐप, ठीक है। और सिमिलर डाटा हमको मिला, मतलब ऐप के अंदर अब जो है वो एक मैट्रिक्स नहीं है, ऐप के अंदर अब 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे इमेज के अंदर मैं बता रहा था आपको कि 3 प्लेन्स होते हैं आर जी और बी, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर इस वेरिएबल को यहाँ वर्क स्पेस में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है, लेकिन और जो थर्ड जो आपकी वैल्यू होती है वो ये बताती है कि इसके अंदर प्लेन क्या कितने हैं। तो इसके अंदर 3 प्लेन भी है, ठीक है। जैसे हमारे इमेज के अंदर यहाँ पे हमको बताया था कि इसके अंदर 183 रोज है, 276 कॉलम्स है और 3 प्लेन्स है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या है सिर्फ 3x3 की ही मैट्रिक्स से बनाया है, तो ये दोनों सिमिलर है। अब आप यहाँ पर एक बात और नोटिस करेंगे कि यहाँ लिखा है UINT int, है ना, एट, मतलब इसको हम फुल फॉर्म बोलेंगे अनसाइंड इंट, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो डेटा टाइप देखने को मिल रहा है वो डबल, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ का जो एक वेरिएबल है ना वो 1 byte लेगा, ठीक है, और यहाँ का एक वेरिएबल जो है वो 8 byte लेगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है यहाँ पर कि ये मैटलैब की बाय डिफॉल्ट जो है वो सेटिंग है कि अगर आप इमेज को रीड करते हैं तो वो उसको अनसाइन इंट में रीड करेगा। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अनसाइन इंट में चेंज करने से क्या होगा कि उसके वेरिएबल को वो 1 byte के अंदर जो है वो लिमिटेड कर देगा, और 1 byte के अंदर, तो 1 byte के अंदर लिमिटेड कर देगा मतलब ये है कि एक वेरिएबल 1 byte का होगा, तो 1 byte मतलब 1 byte के अंदर 8 bits होते हैं, तो जो है 2 to the power आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 to the power 8 मतलब आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 256, और अगर हम उसको 0 से काउंट करेंगे तो 255, मतलब एक वेरिएबल जो है वो 255 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना देख पा रहे थे, नियर अबाउट 255, जो हम एक बार इमेज में फिर से देखने की कोशिश करेंगे, और इसको हम और भी आगे समझेंगे क्योंकि फिर अभी एक साथ में इतना कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा में भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा, तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इमेज भी इसके सेम फॉर्मेट में काम करती है। लेकिन अब हम इसके आगे ये देखते हैं कि मान लीजिए कि मुझे
जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट से अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, ऐप के बाद एक वेरिएबल लेता हूँ जी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो जिस मैट्रिक्स से मुझे निकालना है, मैंने ऐप से निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ 1, 1, जो है 1, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी 1, 1, 1, तो 1 मतलब यहाँ पे क्या है, रो, मतलब पहली पोजीशन का आएगा आर, सेकेंड पोजीशन का आएगा कॉलम और थर्ड पोजीशन का आएगा प्लेन, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट प्लेन से जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मैं क्या है एक वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लेन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 1 और ये जो हमारा एलिमेंट है ये कहाँ पर लाई करता है, ये लाई करता है हमारा 1, 1 पर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट होगी, ठीक है, ये सेकेंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी और ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब ये 147 वाला, फिर 258 वाला सेकेंड कॉलम, ये थर्ड, तो ये 1, 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो हम क्या चाहते हैं अभी 1, 1 पे जो भी वैल्यू है वो निकल जाए, ठीक है, वो जी में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम ये क्यों निकाल रहे हैं वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसको मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमको 1 मिलेगा, तो मैं इसको भी यहाँ रन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको रन कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या मिल गया 1। अब हम क्या करते हैं कि सभी के फर्स्ट पे से मतलब 1, 1 के सभी से निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, मतलब 1, 1 के फर्स्ट प्लेन से भी निकालते हैं वैल्यू, 1, 1 के सेकंड से भी निकालते हैं, 1, 1 के थर्ड से भी निकालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट ऑन किया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा स्पेस और मैंने इसको यहाँ पे करा कॉपी और पेस्ट, स्पेस पेस्ट और ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सेकेंड प्लेन और यहाँ लिख देता हूँ मैं थर्ड प्लेन, ठीक है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ की और यहाँ की, 1, 3, 2, ठीक है। कैसे, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए आपको क्या मिल गया यहाँ पर 1, 3, 2, बाई डिफॉल्ट 1, 3, 2 आ चुका है, एक्चुअली वो ऐसा लगेगा कि यहाँ का, लेकिन वो यहाँ का है, ठीक है। एक और काम हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको ये वाला निकालना है, ठीक है, मान लीजिए हम ये वाला निकालते हैं, ये, ये और ये, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, फिर हम इमेज पे वापस से जाएंगे, ठीक है। ये हमने कमांड वापस से ली और प्लेन तो हमको तीनों लेना है, लेकिन हमको रो कॉलम चेंज करना है, तो रो हमारी कौन सी होगी 3, ठीक है, कॉलम हमारा फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा जो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये, ठीक है, तो 3, 1, ठीक है, और इसके अंदर भी हमको 3, 1 ही करना होगा, ठीक है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम यही होगा, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर, सॉरी 7, 9 एंड, ठीक है, ये 7, 9 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, ये रन किया हमने, देखो आप यहाँ पे मिल गया 7, 9, 8। अब हम इमेज पे चलते हैं और इमेज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको जो है वो 21, 54 और 0 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इस जो हमारा वेरिएबल है इसको हम ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक करने पे क्या होता है कि वेरिएबल की जो भी डिटेल वो हमको मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब इमेज ये रीड करता है मैटलैब, तो बाय डिफॉल्ट उसको VAL नाम के वेरिएबल में रखता है, मतलब वैल्यू नाम के वेरिएबल में रखता है, वो A में नहीं रखता, लेकिन डिफॉल्ट वो A में ही होता है। तो देखिए आप यहाँ पे वो बताता है कि ऑल रो ऑल कॉलम फर्स्ट प्लेन के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या है, वो ये है, इतनी सारी वैल्यू है, मतलब जो है वो 183 आपकी जो रो है, 276 कॉलम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पे जाएंगे, हालांकि यहाँ से ऐसे चलने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कर्सर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक बार ट्राई करता हूँ कि आपको जो है, पहले मैं फर्स्ट वाली वैल्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21 है, सेकेंड पर हमको मिलना चाहिए 54 फिर 0। कैसे, वापस से हम यहाँ पे इमेज पर आते हैं, देखिए यहाँ 21, 54, 0, फाइन। तो हम
यहाँ से एक बार चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये काफी टाइम लगा देता है ऐसे करने के अंदर, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे देखने के बजाय एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं स्क्रॉल करके कहीं पहुंच जाता हूँ वहां रुक जाएगा क्या, क्योंकि वो जल्दी स्केप हो जाता है, क्योंकि रोज कॉलम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है उनको देखना। अब आप देखेंगे मैं नीचे तक आ चुका हूँ लेकिन मेरे को वो सेकेंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट ए लिखते हैं, ए हमारा यहाँ वेरिएबल है, और ए के अंदर हम क्या करते हैं, ए नहीं लिखते हैं, हम मान लीजिए हमने कहाँ तक जी तक ले लिया था, एच एक नया वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू ए, ठीक है। ए के अंदर हमारे क्या है, तीनों प्लेन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1, 1, 1, ठीक है, इसको सबसे पहले रन करता हूँ, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए, 21, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 21, और मैं भी डिफॉल्ट भी अगर चलाऊंगा ऐसे करके 2 कर दूंगा तो आपको मिलेगा 54, और मैं अगर इसको ऐसे भी चलाऊंगा मतलब 3 कर दूंगा तो आपको मिलेगा 0। और हम ये भी कर सकते थे यहाँ पर कि मान लीजिए हमने एच लिया और इक्वल टू लिखा, या एक बार इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ ऐसे कर देते हैं, और यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं प्लेन नंबर 1, यहाँ कर देते हैं प्लेन नंबर 2, और वो बाय डिफॉल्ट 3 है ही, और रन करते हैं। तो देखिए आपको ये जो है वो 21, 54 और 0 मिल गया है। तो यहाँ पर हमने बहुत बेसिक इमेज का डिस्कशन किया है, वो भी ये किया है कि इमेज को कैसे रीड करते हैं और उसके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कहाँ कैसे लाई करते हैं और उनकी वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके आगे आपको इमेज प्रोसेसिंग पर काम करना है तो आपको ऐसी कुछ डिटेल्स यहाँ पर पता होना चाहिए, उसी से जो है आप फेस डिटेक्शन और या फिर एज डिटेक्शन या उसके इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट को काउंट करना, ये काफ़ी चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट को निकालना या किसी शेप को पता करना, ऐसी कई कई चीज़ें होती हैं इमेज के अंदर, वो आप पता कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमसे और कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.robozzlab.com विजिट कर सकते हैं, या आप हमें robozzlab@gmail.com पर मेल सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7806093134, या हमारे दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 82530 11002। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।